नमस्कार, बॉलीवुड फैमिली के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस बार आप सभी दर्शकों का सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आया ऋतिक रोशन की फैमिली को लेकर। आज का ये एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रोशन परिवार का इतिहास ही अपने आप में काफी दिलचस्प है। इस परिवार में निर्माता, निर्देशक, गायक, संगीतकार, अभिनेता, बेहतरीन डांसर, कला जगत की लगभग सभी हस्तियां मौजूद हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रोशन परिवार की जड़ें पाकिस्तान के पंजाब से बिलोंग करती हैं, जहां पर ऋतिक रोशन के दादाजी रोशन लाल नागरथ का जन्म हुआ था। रोशन लाल नागरथ के नाम पर ही रोशन परिवार की नींव पड़ी। इस एपिसोड में हम रोशन परिवार के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ जानेंगे कुछ और भी दिलचस्प बातें, जैसे राकेश रोशन हमेशा गंजे क्यों रहते हैं, राकेश रोशन की हर फिल्म का नाम के से ही क्यों शुरू होता है। तो चलिए हम आपको शुरुआत से इनके परिवार की कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा पूरा देखिएगा, अन्यथा पूरी वीडियो देखने के बाद भी आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे। शुरुआत करते हैं ऋतिक रोशन के दादाजी रोशन लाल नागरथ से, जो अपने जमाने के एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे। मुझे कहते हुए थोड़ा झिझक महसूस हो रहा है कि ऋतिक रोशन के दादाजी, क्योंकि शायद आज की मौजूदा पीढ़ी इनसे अनजान हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि रोशन लाल नागरथ भारतीय संगीत जगत के एक ऐसे अनमोल नगीने थे जिनके बेहतरीन नगमों की सौगात के लिए हर संगीत प्रेमी ऋणी रहेगा। रोशन जी का जन्म हुआ था 14 जुलाई 1917 को गुंजरानवाला में, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब का हिस्सा है। रोशन साहब की संगीत के प्रति दिलचस्पी बचपन से ही थी और छोटी उम्र में ही इन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया। संगीत सीखने के लिए इन्होंने लखनऊ के मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में दाखिला लिया। मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक अब भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इनके पहले गुरु रहे मनहर बर्वे। इसके बाद इन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से संगीत के गुर सीखे। अलाउद्दीन खान साहब थोड़े सख्त मिजाज के थे। एक किस्सा ऐसा भी है कि एक बार अलाउद्दीन खान रोशन साहब को राग यमन का अभ्यास करा रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक जलते लकड़े से इनकी पिटाई भी कर दी। इसके बाद तो राग यमन पर रोशन साहब की पकड़ कुछ ऐसी हुई कि उन्होंने अपने करियर में अधिकतर गाने राग यमन पर ही कंपोज किए हैं। अपने करियर के शुरुआती दिनों में रोशन साहब आकाशवाणी से जुड़े और करीब 10 साल तक काम किया, जिसमें उन्होंने तमाम रेडियो कार्यक्रमों के लिए संगीत तैयार किया। 1948 में उन्होंने मन बनाया कि ये फिल्मों में संगीत देना है, और यही सोचकर ये मुंबई चले आए, जहां ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर के असिस्टेंट बन गए, जो कि उस समय फिल्म सिंगार में संगीत दे रहे थे। रोशन साहब को अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा। इतना संघर्ष कि ये मुंबई के एक गैराज में रहा करते थे, और वहीं पर इनके दोनों बेटे राकेश रोशन, राजेश रोशन की पैदाइश भी हुई। उन्हीं दिनों में रोशन साहब की मुलाकात हुई केदार शर्मा से, जो नेकी और बदी के नाम से एक फिल्म बना रहे थे। इसके संगीतकार थे स्नेहल भटकर। केदार साहब को रोशन ने बड़ा प्रभावित किया। केदार शर्मा ने स्नेहल जी से बात की और कहा कि मैं रोशन को लेना चाहता हूँ। इसके बाद रोशन साहब ने फिल्म का संगीत दिया, परंतु दुर्भाग्यवश ये फिल्म चली नहीं। इसके बावजूद भी केदार शर्मा ने उन्हें फिल्म दी बावरे नैन। इस फिल्म के गाने ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते और सुन बैरी बलम सच बोल रहे बेहद लोकप्रिय हुए। रोशन साहब लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का मिश्रण बहुत अच्छी तरह करते थे। कव्वाली भी उनकी पहचान बनी, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, या फिल्म बरसात की रात की कव्वाली। हर कव्वाली ने अपनी छाप छोड़ी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राग यमन उन्हें बहुत पसंद था, उनके तमाम गाने इसी राग पर आधारित हैं। बांसुरी और सारंगी का उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। 60 के दशक में रोशन साहब ने तमाम हिट फिल्में दी। उन्हें दिल की बीमारी थी, करीब 20 साल वो इस बीमारी के साथ जिए, लेकिन 16 नवंबर 1967 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। रोशन साहब की शादी हुई थी इरा जी से, जो एक गायिका थी। इस शादी से उनके दो बच्चे हुए, राकेश रोशन और राजेश रोशन। राकेश रोशन एक निर्माता, निर्देशक और अभिनेता बने, वहीं राजेश रोशन अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए म्यूजिक डायरेक्टर बने। तो सबसे पहले बात करते हैं रोशन साहब के बड़े बेटे राकेश रोशन की। राकेश रोशन का जन्म 6 सितंबर 1949 को मुंबई में हुआ। राकेश रोशन जब पैदा हुए, उस समय इनके पिताजी मुंबई में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस वजह से राजेश रोशन का बचपन भी मुफलिसी में बीता। इनकी शुरुआती पढ़ाई सैनिक स्कूल महाराष्ट्र से पूरी हुई। चूंकि पिताजी फिल्म जगत में कार्यरत थे, इस वजह से इनकी भी रुचि बचपन से ही फिल्मों की तरफ रही। अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए इन्होंने दाखिला लिया वाडिया कॉलेज ऑफ
पुणे में। मगर उसी दौरान इनके पिताजी का देहांत हो गया और इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। पिताजी के गुजरने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी राकेश रोशन पर आ गई और इन्होंने एचएस रबेल के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिया। राकेश रोशन का सपना शुरुआत से ही एक्टर बनने का था और उनके इस सपने को पूरा किया राजेंद्र कुमार जी ने। 1970 में इन्हें राजेंद्र कुमार जी के कहने पर फिल्म मिली घर घर की कहानी। इस फिल्म में वह सपोर्टिंग किरदार में नजर आए। इसके बाद उनकी मुख्य भूमिका वाली एक के बाद एक कई फिल्में आईं, जैसे कि मन मंदिर, पराया धन, आंखों आंखों में, खेल खेल में, खट्टा मीठा, खूबसूरत, तीसरी आंख, आखिर क्यों आदि। लेकिन मुख्य भूमिका वाली इतनी ज्यादा फिल्में करने के बाद भी राकेश रोशन को फिल्म अभिनेता के रूप में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वह खुद की फिल्में प्रोड्यूस करेंगे। राकेश रोशन ने 1980 में खुद की प्रोडक्शन कंपनी का निर्माण किया और फिल्म बनाई आपके दीवाने, जो कि बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने फिल्म कामचोर बनाई, जो हिट तो रही लेकिन बतौर एक्टर इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद राकेश रोशन निर्देशन के क्षेत्र में भी उतर पड़े और उन्होंने फिल्म बनाई खुदगर्ज। इसके पीछे ही इनके गंजेपन वाला किस्सा भी जुड़ा है। खुदगर्ज की रिलीज से पहले राकेश रोशन ने तिरुपति बालाजी जाकर फिल्म की सफलता के लिए दुआ मांगी थी। राकेश रोशन ने इस मौके पर मन्नत मांगा कि अगर उनकी फिल्म सफल हुई तो गंजे हो जाएंगे। 31 जुलाई 1987 को रिलीज हुई खुदगर्ज बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी इस फिल्म के सफल होने के बाद अपना प्रण पूरा नहीं किया। राकेश रोशन की पत्नी पिंकी उनको इस प्रण के बारे में याद दिलाती रहती थी। काफी समय के बाद राकेश रोशन ने उनकी बात मानी और आजीवन गंजे होने का फैसला किया। इसके बाद राकेश रोशन ने खून भरी मांग, किशन कन्हैया, खेल, कोयला, करण अर्जुन जैसी कई फिल्में बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। फिल्म कामचोर के हिट होने के बाद ही राकेश रोशन को ये लगा कि के उनके लिए लकी है, इसलिए इसके बाद इन्होंने जितने भी फिल्में बनाई उसका टाइटल कैसे ही शुरू होता है। राकेश रोशन के बारे में एक किस्सा ये भी मशहूर है कि उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। चलिए इसके पीछे की कहानी भी जान लेते हैं। दरअसल राकेश रोशन ने अमिताभ बच्चन को नजर में रखकर एक फिल्म लिखी थी, किंग अंकल, लेकिन अमिताभ बच्चन ने आखिरी वक्त पर इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया। बाद में अमिताभ बच्चन की जगह इस फिल्म में जैकी श्रॉफ को लिया गया। राकेश रोशन ने सन 2000 में फिल्म बनाई कहो ना प्यार है। इस फिल्म से राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक को लॉन्च किया। इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड जीते, साथ ही यह फिल्म उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसके कारण राकेश रोशन पर अंडरवर्ल्ड की तरफ से हमला भी हुआ। अंडरवर्ल्ड के लोग चाहते थे कि राकेश रोशन इस फिल्म की कमाई का हिस्सा उन्हें भी दें। फिल्म कहो ना प्यार है के लिए राकेश रोशन को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, साथ ही साथ इनके बेटे को बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। इसके बाद राकेश रोशन ने 2003 में साइंस फिक्शन आधारित फिल्म बनाई कोई मिल गया। इस फिल्म के लिए उन्हें एक बार फिर बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर राकेश रोशन ने क्रिस रिज की फिल्में निर्देशित की जो सुपरहिट रही। इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। राकेश रोशन बतौर अभिनेता भले ही हिट ना रहे हों, लेकिन एक निर्देशक के तौर पर इन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। राकेश रोशन की शादी हुई पिंकी रोशन से, जो कि फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश की बेटी है। राकेश रोशन जी की दो संतानें हुई, बेटी सुनैना और बेटा ऋतिक। सुनैना फिल्मों से दूर रही। इनकी शादी 1992 में आशीष सोनी से हुई, जो कि एक फैशन डिजाइनर है, लेकिन सन 2000 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 2009 में इन्होंने शादी की मोहन नागर से, जो कि एक बिजनेसमैन है, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं चल सका। सुनैना की एक बेटी है सुरानिका सोनी। अब बात करते हैं रोशन फैमिली और बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन की। ऋतिक का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ। चूंकि इनके पिताजी और नाना जी एक निर्माता निर्देशक थे, इसलिए इनके लिए फिल्मों में आना बड़ा आसान रहा। बचपन में इन्होंने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इनकी शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पूरी हुई। सिडेनम कॉलेज से इन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ये अपने पिताजी के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे। इस दौरान इन्होंने कोयला, करण अर्जुन जैसी कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। सन 2000 में इनके पिताजी ने फिल्म बनाई कहो ना प्यार है, जिसके माध्यम से उन्होंने ऋतिक को बतौर हीरो लॉन्च किया। ये फिल्म ना सिर्फ हिट रही बल्कि ऋतिक को बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। ऋतिक ने अपने करियर में कई अलग अलग तरह की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जिससे इन्हें सुपरस्टार का स्टेटस मिला। ऋतिक रोशन की शादी हुई संजय खान की बेटी सुजैन खान से, जिससे इनके दो बेटे हुए, रिदान रोशन और रेहान रोशन। 2014 में ऋतिक रोशन और सुजैन का तलाक हो गया। अब बात
करते हैं रोशन लाल नागरथ के दूसरे बेटे और बॉलीवुड के महान संगीतकार राजेश रोशन की। राजेश रोशन के करियर पर नजर डालें तो ये बॉलीवुड के इकलौते ऐसे संगीतकार हैं जो 70 के दशक से लेकर आज तक के दौर की फिल्मों में भी म्यूजिक दे रहे हैं। फिर चाहे वो 1975 की म्यूजिकल हिट जूली हो या फिर 2013 की क्रिश या फिर 2017 की काबिल, इतने लंबे दौर तक काम करना वाकई एक करिश्मा है। राजेश रोशन का जन्म हुआ था 24 मई 1955 को मुंबई में। घर में संगीत का माहौल तो था ही, पिताजी फिल्मों में संगीत दे रहे थे और माँ एक गायिका थी। इसका असर राजेश रोशन पर भी हुआ और इनकी दिलचस्पी संगीत के प्रति होने लगी। जब इनके पिताजी का निधन हुआ तो इनकी उम्र काफी कम थी। इनके बड़े भाई ने इन्हें पढ़ाया लिखाया और संगीत की तालीम भी दिलवाई। अपनी पढ़ाई पूरी कर राजेश रोशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ बतौर असिस्टेंट काम करने लगे। उसी दौरान महमूद साहब ने इन्हें अपनी फिल्म कुंवारा बाप में संगीत देने का मौका दिया। फिल्म सफल तो रही लेकिन इसके बाद भी इनका संघर्ष जारी रहा। जिस दौर में कल्याण जी, आनंद जी, आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों का सिक्का चल रहा हो, उस दौर में किसी नए संगीतकार के लिए पैर जमाना वाकई मुश्किल काम था। फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने राजेश रोशन को उस दौर के नामचीन संगीतकारों के बीच स्थापित कर दिया। 1975 में KS सेतुमाधवन ने अपनी फिल्म जूली में राजेश रोशन को संगीत देने का मौका दिया। ये फिल्म म्यूजिकल हिट हुई और राजेश रोशन की गाड़ी भी चल पड़ी। इसके बाद तो राजेश रोशन ने एक से बढ़कर एक हिट नगमे दिए। राजेश रोशन ने ही अमिताभ बच्चन को पहली बार प्लेबैक सिंगिंग करने का मौका दिया था। फिल्म थी नटवरलाल और गाना था मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। बाद में राजेश रोशन ने अपने बड़े भाई की फिल्मों में भी संगीत दिए। जब राजेश रोशन ने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया तब से ना जाने कितने गायक, गीतकार, संगीतकार आए और जाते रहे, लेकिन राजेश रोशन आज भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। राजेश रोशन की शादी हुई कंचन रोशन से, जिससे इनके दो बच्चे हुए, बेटा ईशान रोशन और बेटी पश्मीना रोशन, और ये दोनों ही फिल्म जगत से दूर हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में आप किस फिल्मी परिवार का इतिहास जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।